तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? बहुत बुरा, मैं तंग आ गया हूँ पढ़ाई से। ओहो, कोई नहीं, कल फिर से टेस्ट है, उसमें बेहतर कर लेना। नहीं, मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। क्यों, तबीयत खराब है? नहीं, मैं बस स्कूल छोड़ रहा हूँ। क्या, तुम स्कूल छोड़ रहे हो? मगर क्यों अली? क्योंकि मैं सर्कस में जा रहा हूँ, मुझे पढ़ाई बहुत मुश्किल लगती है और मजा नहीं आ रहा। सर्कस में मुझे मजा भी आएगा और मुझे पैसे भी मिलेंगे। गाइड ने कहा तुम्हें दिल लगाकर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छी तालीम हासिल करना तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। कायदे आजम, वो कहाँ से आ गए? बस मैं जा रहा हूँ और मैं नहीं वापस आऊँगा। जैनब और सारा इतने आगे क्यों निकल गए? कायदे आजम, आप यहाँ? जैनब, सारा, रुको, ये देखो कायद। उनको ना बुलाओ, वो नहीं आएंगे। ये तुम्हारा ख्वाब है और सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो। कायद, सारा और जैनब मुझसे इतने आगे कैसे? उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा, इस वजह से। कायद, ये सिर्फ पढ़ने की वजह से जैनब और सारा मेरे से आगे निकल आए? हाँ बेटा, दुनिया इस तेजी से आगे बढ़ रही है कि अगर तुम तालीम याफ्ता ना हुए तो ना सिर्फ तुम पीछे रह जाओगे बल्कि बिल्कुल खत्म हो जाओगे। नहीं, तालीम हमारे मुल्क के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, और अगर सब पाकिस्तानी पढ़ाई छोड़ दें तो पाकिस्तान का क्या होगा? नहीं अली, तुम ये सब होने से रोक सकते हो। मगर कैसे? पहला कदम उठा के ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। अली, इतना मुंह क्यों लटका हुआ है जैनब? अली, तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। मैं कैसे पढ़ाई छोड़ सकता था जब इसके बगैर मैं तुम्हारे से पीछे रह जाता? ये तो सही बात है, लेकिन मुझे बताओ तुम्हें ख्याल कैसा आया? बस मुझे ख्वाब आया,